हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सबको चैम सी की। मेरा विश्वास है आप सब लोग मसीह में ब्लेस्ड होंगे। आज की सुबह आप लोगों की आशीष भरी होगी, हालेलुया। और आज पूरा दिन परमेश्वर आपको संभाल कर रखेंगे, अपने हाथों में रखेंगे, हालेलुया। आइए हम आज की वीडियो में देखते हैं, आज की वीडियो का टॉपिक है कि आज परमेश्वर ने आपके लिए कौन सा वचन दिया। आइए हम पहले वचन को पढ़ते हैं, आज का वचन। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रदान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। पहला कुरंथियों 12:28। हालेलुया, इस वचन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाती हूँ कि परमेश्वर ने कौन कौन से व्यक्ति नियुक्त किए हैं। इस वचन का मतलब ये है कि परमेश्वर हमें इस वचन के जरिए ये समझाना चाहते हैं कि हम लोग मसीह की एक देह है, हालेलुया। हम लोग अलग अलग नहीं हैं। कोई बाइबल में जैसे लिखा है कि कोई बोलता है कि मैं पौलुस का हूँ, कोई बोलता है कि मैं कोई किसी का हूँ, ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं कह सकता। परमेश्वर ने कहा है कि हम लोग सब मिलकर मसीह की एक देह है, हालेलुया। हम अलग अलग नहीं हैं, हम मसीह में एक हैं। जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हम मसीह में एक हो जाते हैं, मसीह की देह के जैसे। जैसे मसीह की देह एक है, वैसे ही हम मसीह में आकर सब एक हो जाते हैं। ना कि कोई पौलुस का है और ना कोई मूसा का, जैसे किसी का भी नहीं कि मैं पौलुस का हूँ, मैं इस पास्टर का हूँ। कई लोग बोलते हैं कि मैं उस पास्टर के पास जाता, मैं उसका हो गया, मैं उस पास्टर के पास जाता, मैं उसका हो गया। ऐसा नहीं है। जो भी परमेश्वर ने अपने दास और दासियाँ नियुक्त की हैं, वह एक ही परमेश्वर की आराधना करते हैं, हालेलुया। और वह एक ही देह के हैं, हालेलुया। वैसे ही इस वचन के अनुसार परमेश्वर हमें समझाना चाहता है कि परमेश्वर ने जो अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं वो एक ही देह के हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के ही हैं, हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा है कि तुम लोग एक ही देह के और अलग अलग अंग हो, हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये देह दी है, हमें ये शरीर दिया है, उसके अलग अलग अंग दिए हैं, जैसे पैर, हाथ और बाजू वगैरह, जैसे अलग अलग कान दिए हैं, नोज दिए हैं। वैसे ही परमेश्वर ने हमें समझाते हुए कहा है, जैसे आपकी देह के अलग अलग अंग हैं, वैसे मेरी देह और मेरी देह के ये अलग अलग अंग हैं। जैसे पहले प्रथम प्रेरित हैं, दूसरे अलग अलग काम करने वाले, भविष्यवक्ता, शिक्षक, नाना नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, चंगा करने वाले, ये सब परमेश्वर के एक अंग हैं, जो कि परमेश्वर का ही काम करते हैं, ना कि किसी और का, हालेलुया। और मैं इस वचन के जरिए आपको समझाना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने ये भी कहा, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और उसके अलग अलग अंग हो, हालेलुया। जब हम पहले वचन में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, हालेलुया। कोई भी ये नहीं कह सकता मैं उस पास्टर का, मैं उस पास्टर का, मैं उसे मानता हूँ, उसे मानता हूँ, हम उसे नहीं कह सकते। हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हालेलुया। और ये जो परमेश्वर ने अपने दास दासियां ठहराए हैं, ये जो अपने भविष्यवक्ता ठहराए हैं, उसने शिक्षक ठहराए हैं, उसके प्रेरित ठहराए हैं, ये परमेश्वर ने अपने अलग अलग अंग ठहराए हैं कि वो अलग अलग तरह से काम करें, हालेलुया। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पांव अलग काम करते हैं, हमारी बाजू अलग काम करती है, हमारा कान जो अलग काम करता है, हमारा नाक जो अलग काम करता है, वैसे ही परमेश्वर ने अपने अगुए ठहराए हैं। वो अगुए जो हमको दिए हैं ठहराए हैं, वो अलग अलग काम करते हैं। जैसे प्रेरित अलग काम करते हैं, भविष्यवक्ता अलग काम करते हैं, और शिक्षक अलग काम करते हैं, चंगा करने वाले अलग काम करते हैं, हालेलुया। इसके टॉपिक में परमेश्वर ने हमें ये समझाना चाहा है, एक ही है, ये नहीं कि वो अलग है या वो कोई और आराधना करते हैं, है वो परमेश्वर की ही आराधना करते हैं, पर वो अलग अलग तरह से जो कि परमेश्वर के अनुसार ठहराए हुए काम करते हैं। कई नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं कि हमें हर तरीके से, हर जरिए से परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार पता लगे, हालेलुया। और आप लोगों को ये नहीं सोचना कि हम वो वाले पास्टर के पास जाते हैं तो वो अलग है, हम वो वाले पास्टर के पास जाते हैं तो वो अलग है। कोई भी अलग नहीं है, सब मिलकर मसीह की एक देह है। और जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हम मसीह में एक हो जाते हैं, मसीह की देह में एक हो जाते हैं और उसके अंगों की तरह अलग अलग काम करते हैं, हालेलुया। आप सब इस वचन को समझिए और सुनिए और परमेश्वर की आशीष को ग्रहण कीजिए।
लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगियों में बड़ा कार्य करेगा। हालेलुया। सबको जैम से की, सब लोग प्रार्थना में रहिए, आत्मा में रहिए, फास्टिंग में रहिए और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते रहिए कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में बड़े काम करेगा और बिग टेस्टिमनी को लेकर आएगा। सबको जैम से की, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि परमेश्वर का सुसमाचार जल्द से जल्द फैले। सबको जैम से की, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।